एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। एंड गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो आज सुबह का 8 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं मेरे कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी मेरे रूम में हूँ और रूम की हालत भी देख सकते हो, पूरा रूम सारा बिखरा पड़ा है क्योंकि अभी पतिदेव जी स्कूल गए हैं, तो कमरे की हालत करके गए हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ बिखर के रखे गए हैं। तो अभी मुझे सबसे पहले मेरा कमरा साफ करना है और उसके बाद फिर हम आपको आगे दिखाएंगे सब लोग क्या कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साफ़ सफाई अभियान। हम स्टार्टिंग करेंगे हम इस खजाने से, क्योंकि ये सारा खजाना है, अभी हमें सारा संभाल के रखना है। जैसा कि आप देख सकते हो, सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, मतलब मेरे साइड के सारे कपड़े अच्छे से रखे हैं, इनके साइड के कपड़े भी मैंने रखे हैं। इनके देखिए, ये सारे कपड़े यहाँ पर रख के गए हैं और यहाँ पर भी थोड़े बहुत डले हैं। तभी मैं सारे कपड़े जमा देती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। आगे आगे भी मुझे सब कुछ साफ़ करना है यहाँ पे, ये बेड वगैरह सब कुछ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पे कान्हा जी की हालत भी देखिए, पता नहीं क्या क्या पड़ा है उनके पास में। स्टार्टिंग करते हैं, सारे बैंगल्स हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये सारा मेरा मेकअप रखा है यहाँ पे, सारी लिपस्टिक और कॉस्मेटिक क्रीमें वगैरह रखी हैं। और यहाँ पे सारे नेल पेंट्स रखे हैं, यहाँ पे बिंदिया, और यहाँ पे मेरा हैंड बैग रखा है, यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह रखे हैं। अच्छा, मैं जरा जेल लगाई अपने फेस पे, तो जेल हम यहाँ पे बाहर निकाल के रख देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ, मेरा सारा सामान। तो अब बारी है बेड सही करने का, तो हम फटाफट से बेड भी सही कर लेते हैं। चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, मैं अभी गई थी मम्मी के घर, तो वहाँ से मैं एक स्टिकर लाई यहाँ पे चिपकाने के लिए। तो अभी मैंने अभी न्यू ऐड किया है मेरे रूम में, और ये मैंने मतलब ये तो बहुत पुराना हो चुका है, इसके आधे स्टिकर मतलब निकल भी चुके हैं, तो ये अभी न्यू ऐड किया है मैंने यहाँ पे। दोपहर का टाइम हो चुका है, समथिंग 12 बज चुके हैं, तब मैं जाके फटाफट से नहाऊंगी क्योंकि थोड़ा फ्रेश अच्छा लगता है नहाने के बाद। और गर्मियों का मौसम है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए मैं जाती हूँ नहाने, और नहाने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। ओके, इतने
स्कूल से। स्कूल से देखो तुम आज इधर आओ इतना तुम पैसा लोन लगे थी का स्कूल नहीं हां जमे तो है जमे रख दे एक कालू हां नहीं ना हम दूसरे लो आर से भाई ये जाइए हां जम लाल वाला हम ले जो तुम ले हां नहीं लाल वाला हम ले आज तुम आज आज से बता तुम आज पैसे लोन थी का स्कूल में का है तुम गंदे बच्चे हो का बाबू दादी पूरे कर सुन नहीं रही पहले ना दे तुम स्कूल में रोई का है आज इतने जल्दी घर आने तो फिर पढ़ते ऐसे तुम डैडी रो रो के आ जाते तो डाल तो बजाए बताओ काय नहीं जाती तुम स्कूल गए जाते इतने जल्दी आ जाती तुमने पढ़ो नहीं है थोड़ी देर में ही आ गई तुम अब तू गई थी का स्कूल हां घर की याद आ रही थी हां आन देव का नहीं तुम सत्यम भाई मिले थे ये गई मिले थे ये कहीं पर मिले थे तो कल तुम इनके पास बैठे रहते थे हां तुम बाबू छुट्टी में आओ कर इतने जल्दी आ जाती गंदे बच्चे हो गए तुम ठंडा लग रहा बहुत बहुत तेज है पता नहीं गले बोले तब क्या कर दिला दे हमें दे हम खा लेना हमें दे तो हमारे दोस्त नहीं ना का आधा तो खाया पर हम तो पूरे खाए नहीं हाँ नहीं डर हाँ तो पहले हम खा ले फिर तुम खाइए दे वाह नहीं हमें तो वही खाने लाल वाला खाने नहीं ले आओ नहीं ले आओ भाग आओ ए डल्लो गई डांस करो तुम्हारे वीडियो बने लगो तुम्हारे वीडियो बने गाना बजा अब करें हम करो चेस ऐसे करो ऐसे करो गर्मी का फुल ऑफ मजा लेने के लिए मम्मी लाई है तरबूज और इस तरबूज को हम अभी करेंगे ठंडा क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म गर्म है अभी मम्मी मार्केट से लेके आई हैं तो इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे पानी में क्योंकि फ्रिज में तरबूज रखने से मतलब कुछ नुकसान होता है वो मुझे भी नहीं पता क्या होता है लेकिन हम पानी में डालेंगे उसको ठंडा करने के लिए तो अब मैं फटाफट से तरबूज को डालती हूँ पानी में और अभी मैं नहाने जाने वाली थी लेकिन मैंने नहा नहीं पाई क्योंकि पानी नहीं आ रहा है तो पानी आएगा तब मैं जाऊँगी नहाने तो अभी तो फ़िलहाल मैं किचन में हूँ तो ये देखिए हमारा तरबूज डाल दिया हमने पानी में ठंडा होने के लिए और यहाँ पे कटहर कटहर की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है तो मम्मी कटहर रह गया इसको हम फ्रिज में रख देते हैं तमाम लाल लाल होगा खोलो आ करो देखो जी हमारी साड़ी नई नई साड़ी अच्छी लग रही है टल्लो सब अच्छी लग रही ऐसे देखो तो कैसे देखती तुम निकाल निकाल के देखती हुआ तो खेलती हो तुम्हारी मम्मी ने ऐसी है कि ले भी नहीं आ तुम्हारी मम्मी साड़ी रोटी ले आके आ जाती बाजार से कह दी और अच्छी अच्छी ले करे सबूत नहीं है पहले हाँ कह दी देख नहीं कितनी मस्त सो गाइस चलिए मैं आज आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ मेरे घर का जो फर्स्ट रूम है एंड रूम वहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर का सीन दिखा देती हूँ तो हम आ चुके हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे घर के सबसे पहले रूम में
तो ये देखिए यहाँ पे मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं, तो छोटा सा रूम है। और अभी मैं आपको बाहर का सीन भी दिखा देती हूँ यहीं से। सो ये देखिए हमारे घर का बाहर का सीन है। यहाँ पे रोड बनी है, मतलब मेन रोड पे ही हमारा घर है और यहाँ पे थोड़ी दूरी मार्केट है घर के। तो हमारा घर जो मेन रोड पे ही चालक में, तो चलिए बंद करते हैं गेट। चलिए तो वापस चलते हैं अंदर। और अब मैं जाने वाली हूँ नहाने, क्योंकि पानी तो आने वाला नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ टंकी के पानी से नहा लूँ। तो अब हम नहाएंगे फटाफट से, क्योंकि मुझे बहुत आलस सा भी आ रहा है, दोपहर का टाइम हो गया और अभी तक नहाया नहीं है तो थोड़ा बहुत। तो अब मैं जाने वाली हूँ फटाफट से नहाने। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के, और यहाँ पे शैतान खोपड़ी देखे पता नहीं क्या करी, मेरे ट्राइपॉड से खेल रही यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, आपको दिखाते हैं, किचन के दर्शन भी करवाते हैं। चलो इसको रखो, चलो दादी के पास चलते हैं। चलो चलो डुल्लो चलो। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं किचन में, और देखिए किचन हमारी पूरी साफ़ हो चुकी है और सारा काम हमारा किचन का भी हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम खाने वाले हैं वाटरमेलन, तो अभी अभी मैंने यहाँ पे काट के रखा है वाटरमेलन, तो अब हम उठाएंगे ठंडे ठंडे तरबूज का मज़ा फुल गर्मियों में। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मज़ा आता है तरबूज खाने में। और यहाँ पर देखिए हमारी डुल्लू गुस्सा हो गई क्योंकि इससे मैंने फ़ोन ले लिया, अभी रूम में फ़ोन चला रही थी। कब होगा हम डाल, तुम ज्यादा डाल दी बेटा का। तो तुम वो खा ले बाबू, खा ले आ जाओ अपन खाइए, खा ले। A few moments later. So guys, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अभी अभी उठ के आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी तो मैं सो गई थी दोपहर के टाइम। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मौसम मतलब थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे काले काले बादल छा चुके हैं और ऐसा लग रहा है मतलब अभी बारिश होगी थोड़ी देर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके यहाँ का पूरा नज़ारा। और यहाँ पे मेरे साथ डुल्लो भी आई है, यहाँ पे देखिए डुल्लो यहाँ पे घूम रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का मौसम है आज यहाँ पे शाम के 4 बजे का। इधर डुल्लो इधर, ये डुल्लो का घर है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। डुल्लो की साइकिल भी पड़ी है यहाँ पे, चलो आ जाओ। टूट गई, अरे बूंदे गिर रही है, डुल्लो गिर रही, देखो जी गिर गई बूंद, देखो हमारे हाथ पर गिरी एक, अब बारिश हो देखो। तो
करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं मतलब इतने दिनों बाद क्यों ब्लॉग डाल रही हूँ। मतलब पहले मैं डेली ब्लॉग डालती थी, लेकिन अब मैं मतलब दो तीन दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। तो सभी लोग मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब क्या हो गया है, कुछ हो गया, किस वजह से नहीं डाली। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोग मतलब ऐसा कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पा रही। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हो कि ब्लॉग बनाना ईजी है, तो ये मतलब बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ब्लॉग बनाने के बाद कम से कम उसको एडिट करने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही हूँ ब्लॉगिंग में, तो इसलिए मैं ब्लॉग कम शूट कर रही हूँ और कम ब्लॉग डाल रही हूँ। तो इस वजह से मतलब यही रीज़न है। और अब मेरे एग्जाम्स ख़त्म होने वाले हैं, तो उसके बाद अब मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.